दोस्तों, संसार में कुछ लोगों को कड़ी मेहनत के बाद भी आशा के अनुरूप फल नहीं मिल पाते हैं और निराशा बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति में सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए और मेहनत में कभी कमी नहीं करनी चाहिए। इस संबंध में गौतम बुद्ध से जुड़ा एक प्रसंग प्रचलित है, जिसमें सुखी जीवन और सफलता पाने के सूत्र छिपे हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हम कई परेशानियों से बच सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें बताया गया है कि हम कैसे सफल हो सकते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में उपदेश देने जा रहे थे। गांव पहुंचने से पहले उन रास्तों में उन लोगों को जगह जगह पर बहुत सारे गड्ढे खुदे हुए दिखाई दिए। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य इन गड्ढों को देखकर सोचने लगा कि इसका क्या रहस्य है। उन्होंने अपने गुरु बुद्ध से इसका रहस्य पूछा कि तथागत, इसका मुझे इन गड्ढों का रहस्य बताइए। महात्मा बुद्ध से पूछा कि तथागत, कृपया मुझे इन गड्ढों का रहस्य बताइए। एक साथ इतने ढेर सारे गड्ढे किसने खोदे हैं? गौतम बुद्ध ने शिष्य को जवाब दिया कि किसी ने पानी की तलाश में इतने सारे गड्ढे खोदे हैं। अगर वह ध्यानपूर्वक एक ही जगह पर गड्ढा खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता, लेकिन वह थोड़ी देर गड्ढा खोदता और पानी न मिलने पर दूसरी जगह गड्ढा खोदना शुरू कर देता। इस कारण उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य को समझाया कि अगर कोई व्यक्ति किसी काम में सफल होना चाहते हैं तो उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन कड़ी मेहनत के साथ साथ स्वभाव में धैर्य होना भी जरूरी है। कभी कभी लंबे समय तक मेहनत करने के बाद ही सफलता मिल पाती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना चाहिए, वरना सफलता नहीं मिल पाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सफलता देर से मिलती है। नमस्कार दोस्तों।